हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है फ्रैक्शन। आइए स्टार्ट करते हैं। आपको इसमें यहाँ पर एक सर्कल दिख रहा होगा। इस सर्कल के हमने 8 इक्वल पार्ट किए हुए हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इस सर्कल में जो हमने ब्लू पार्ट किया है, ब्लू कलर किया हुआ है, वो इसका कितना पार्ट है, तो उसको अगर हम लिखना चाहें तो लिखेंगे 3/8। ठीक है, क्योंकि 8 इक्वल पार्ट है, उसमें से हमने 3 पार्ट को कलर किया है, तो ये 3/8 हो जाएगा। इसी तरीके से नीचे वाले सर्कल में हमने 6 पार्ट को कलर किया है, तो ये 6/8 हो जाएगा। तो ये जो 3/8 है और 6/8 है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। अब इसमें जो ऊपर वाला नंबर है उसे हम न्यूमिनेटर बोलते हैं, और जो नीचे वाला नंबर है उसे डिनोमिनेटर। जैसे हमारा 3/8 है, तो हमारा जो 3 है वो हमारा न्यूमिनेटर है, और 8 जो है वो हमारा डिनोमिनेटर है। नेक्स्ट देखते हैं। अब फ्रैक्शन के अंदर हमारा प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स फ्रैक्शन, ये तीनों आते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। सबसे पहला हमारा है प्रॉपर फ्रैक्शन। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? वेयर द न्यूमिनेटर इज़ लेस देन द डिनोमिनेटर। जहाँ पर न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है, वो हमारा कौन सा होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे यहाँ एग्जांपल दिए हुए हैं, 2/3, 3/4, 1/4, 5/8। इन सब में एक चीज़ कॉमन है, जो न्यूमिनेटर है, ऊपर वाला नंबर है, वो नीचे वाले नंबर से छोटा है। ऐसे यहाँ पर 3 4 से छोटा है, 1 भी 4 से छोटा है, 5 भी 8 से छोटा है। तो इसमें हमें ये याद रखना है कि जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उसमें जो न्यूमिनेटर होता है डिनोमिनेटर से छोटा होता है। नेक्स्ट हमारा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? वेयर द न्यूमिनेटर इज़ ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर। अब इसमें जो न्यूमिनेटर तो हमारा ऊपर वाला नंबर होता है और डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर होता है। जब हमारा ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा हो, तो हमारा कौन सा फ्रैक्शन होगा? इम्प्रॉपर। जैसे यहाँ दे रखा है 128/5, 29/5 और 35/12। अब नेक्स्ट आता है हमारा मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या है? कंसिस्ट ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन के अंदर हमारा होल और प्रॉपर फ्रैक्शन दोनों आता है। जैसे यहाँ लिखा है 4 1/3, 5 82/210 और 6 9/20। अब इसमें ये ध्यान दीजिए, ये 4 1/3 जो है, इसमें ये जो 4 है ये हमारा होल होता है, ठीक है, और ये जो 1/3 है वो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इसमें ये न्यूमिनेटर होता है और नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, हमें पता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर जो होता है डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। तो अगर हमारा 7/3 है, उसको हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे? 7 को 3 से डिवाइड किया, 3 2 6, 1 रिमाइंडर बचा हमारा, तो ये जो हमारा कोट आया है डिवाइड करने के बाद 2, ये तो हमारा होल हो जाएगा, और फिर जो हमारा रिमाइंडर बचा है ये न्यूमिनेटर होगा, और जिसे हमने डिवाइड किया है ये हमारा डिनोमिनेटर होगा, ठीक है। एग्जांपल देखते हैं कुछ मिक्स फ्रैक्शन के। एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ मिक्स फ्रैक्शन। अब हमें यहाँ पर एक नंबर फ्रैक्शन दिया हुआ है 27/5, उसको हमें फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सेम, हमने 27 को 5 से डिवाइड किया, तो हमारा 5 5 ज़ा 25, 27 में से 25 माइनस करेंगे तो 2 रिमाइंडर आया। तो यहाँ पर जो हमारा होल पार्ट आया है वो है 5, न्यूमिनेटर जो रिमाइंडर जो बचा है वो हमारा न्यूमिनेटर हो गया, जिससे डिवाइड किया वो हमारा डिनोमिनेटर है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे? 5 2/5। नेक्स्ट एग्जांपल है,
एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ मिक्स फ्रैक्शन, इसे भी मिक्स में कन्वर्ट करना है 17/4, तो हम इसे डिवाइड करेंगे 17/4 से, तो 4 4 16, 1 माइनस करने पर आया तो रिमाइंडर हमारा 1 बचा, तो होल कितना है हमारा 4, तो इसको हम लिखेंगे कैसे, 17/4 की जगह हम लिख देंगे 4 1/4। तो ये था हमारा फ्रैक्शन का टॉपिक। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।